साइंस फॉर स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड वी आर गोइंग टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. आज हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करने जा रहे हैं चैप्टर वन के. ओके एंड नंबर वन है न्यू प्लांट इन पोटैटो. आर न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम इन पोटैटो. पोटैटो मीन्स होता है आलू. आलू में जो न्यू प्लांट ग्रो करता है, नया पौधा ग्रो करता है, वो किससे करता है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो वो स्टेम से करता है. ओके किससे करता है? स्टेम से. एंड नंबर टू द प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीफ इज. वो प्लांट जो एक नया पौधा ग्रो करता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है, इट्स लीफ उसकी पत्तियों से, तो वो कौन सा होता है? स्पिनच, कैबेज, ब्रियोफिला या स्वीट पोटैटो. स्पिनच मीन्स पालक, कैबेज मीन्स बंदगोभी, ब्रियोफिला मैंने आपको बताया एक प्लांट होता है, एंड स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद. तो बताइए इनमें से कौन सा प्लांट होता है जो लीफ से ग्रो करता है न्यू प्लांट? तो मैंने बताया था लीफ से ही ग्रो कौन करता है? ब्रियोफिला. ओके एंड नंबर थ्री द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड. आउटर कवरिंग जो सीड मीन्स बीज, बीज की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर का जो कवर एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन, एम्ब्रॉय, सीड कोट या फिर सीडलिंग. क्या कहते हैं? सीड कोट. ओके आउटर कवरिंग एरिया को हम सीड कोट कहते हैं. एंड नंबर फोर द पार्ट ऑफ सीड. सीड मीन्स बीज. बीज का जो पार्ट होता है, भाग होता है. प्रोवाइड फूड टू. प्रोवाइड मीन्स देता है. फूड मीन्स भोजन. टू डेवलप मीन्स विकास करने के लिए. सीडलिंग जो सीड का पार्ट होता है वो हमें फूड देता है. टू डेवलप सीडलिंग. सीडलिंग को डेवलप करने के लिए तो वो क्या होता है? सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रॉय एंड स्टेम. सो स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी द पार्ट ऑफ सीड. सीड का जो पार्ट होता है वो हमें भोजन प्रोवाइड, फूड प्रोवाइड करता है. टू डेवलप सीडलिंग तो इसका क्या होगा? सीड कोट या फिर कॉटिलेडन या एम्ब्रॉय या फिर स्टेम. सो स्टूडेंट इसका होगा, सो इसका एम्ब्रॉय होगा. ओके एम्ब्रॉय जो होता है वो फूड में न्यू डेवलप करता है. तो इसमें पहले में स्टेम, दूसरा एम्ब्रियोफ्लम, नंबर थ्री सीड कोट, नंबर फोर एम्ब्रॉय. ओके नोटेड. एंड मैं नंबर फाइव पढ़ाने जा रही हूँ. नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग. प्लीज नोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल. इज नॉट, यहाँ पर नॉट लिखी. ओके नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप. सो प्लीज टेल मी रबी क्रॉप का मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन दूंगी. रबी क्रॉप की उसमें कौन सी क्रॉप ऐसी है जो रबी क्रॉप की नहीं है? ओके राइस, पीज, मस्टर्ड. सो प्लीज टेल मी इसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? MUSTARD. मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों. ओके तो इसमें से रबी क्रॉप कौन नहीं है? वीट भी है, राइस भी है एंड मस्टर्ड. मस्टर्ड मीन्स क्या होता है? सरसों होता है. तो सरसों भी है तो बताओ उसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? जो है राइस वो रबी क्रॉप नहीं है, बिकॉज राइस जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है. ओके सो राइस क्या है? राइस खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप नहीं है. वीट, पीज एंड मस्टर्ड ये तीनों कैसी है? ये रबी क्रॉप है. ओके सो प्लीज जो मैंने आपको फाइव पॉइंट लिखा है पूरा नोट कर लो एंड लर्न कर लेना. एंड होमवर्क में नोट करो, लर्न एमसीक्यू चैप्टर वन. ओके ये आपका होमवर्क है, नोट एंड लर्न करना. ओके थैंक यू.